अगर आप भी कार फॉर सेल पहली बार खेल रहे हो, आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, तो आज मैं इसके बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद आप एकदम प्रो हो जाओगे भाई कार फॉर सेल के। तो इसको मैं नंबर वाइज बताने वाला हूँ। देखो, फर्स्ट नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हो अच्छी तरीके से। सेकंड, आप महंगी से महंगी गाड़ियों को आप सस्ते में कैसे खरीद सकते हो। और थर्ड, आप अनलिमिटेड मनी कैसे कमा सकते हो। और फोर्थ पे मैं आपको इसके कुछ बेस्ट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलो नंबर वन से शुरू करते हैं। तो देखो, आपको आने के बाद सबसे पहले आपको एक छोटा सा यहाँ पर डीलरशिप मिलेगा, ऑफिस मिलेगा। आपको उसके ऑफिस के अंदर जाना है और आपको ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक कंप्यूटर रहेगा, कीबोर्ड माउस रहेगा। आपको ई दबा के आपको कंप्यूटर पर जाना है। अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको ये नाम वगैरह चेंज करना है, जो $10 में हो जाएंगे। और यहाँ से आप जो है इसका फैंस चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं ये लगाना चाहता हूँ तो मैंने ये लगा दिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको बाय कर रखा है, ठीक है। तो अब मैं ये लगा देता हूँ। बाकी यहाँ पर भी आपको अलग अलग डिजाइन मिल जाएंगे, जिसे आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। मार्केट पे जाओगे तो भाई यहाँ पर आपको ये फूल वगैरह दिख जाएंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पर देखो, मैंने घर भी खरीद रखा है, तो यहाँ पर घर का ऑप्शन आ रहा है। वरना आपको आपके पास यहाँ पर दो का ही ऑप्शन आएगा, एक कंटेनर और एक ऑफिस। ये हो गया अपग्रेड पे, ठीक है, कि आप इसको कैसे अपग्रेड कर सकते हो। बाकी हाँ, अपग्रेड पे मतलब आपको इसको जगह भी खरीदना है तो उसके लिए भाई पैसे लगेंगे। आई थिंक जैसे यहाँ पर आप अपग्रेड्स पे जाओगे तो यहाँ पर देखो आपको पैसे वगैरह ज्यादा लगेंगे। तो ठीक यही रहेगा कि आप सबसे पहले पैसे कमाओ। अब देखो, सस्ती गाड़ियाँ खरीदने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा कार मार्केट। चलो मैं आपको कार मार्केट ले चल के दिखा देता हूँ। बट वहाँ पर जाने से पहले मैं चलता हूँ एक बार अपने कंटेनर पे। कंटेनर पे इसलिए क्योंकि मैंने कार मार्केट से कुछ गाड़ियाँ खरीद ली है। तो अभी यहाँ पर एक टिप्स और मैं आपको बता देता हूँ। देखो, दिन है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जब मैं इस गेम में पहली बार आया था तो मुझे भी लगता था कि हम केवल रात में ही सो सकते हैं, लेकिन नहीं, आप कभी भी जाके सो सकते हो। देखो अभी क्या है, ओकेशन ओपन है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई कार मार्केट प्लेस ओपन हो। मैं नहीं ओकेशन पे वेट करना चाहता, तो मैं चलता हूँ वापस से और सो जाता हूँ। और अगली सुबह जब हम उठेंगे तो कार मार्केट प्लेस ओपन रहेगा। इसी तरीके से आप जब चाहो जब कुछ भी ओपन करवा सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी मैं चलता हूँ कार मार्केट और आपको मैं बताता हूँ कि महंगी से महंगी गाड़ियों को आप सस्ते में कैसे खरीद सकते हो। तो देखो यहाँ पर एक है, ये क्या है, ये भाई ये तो ऑडी है। बट यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है। यहाँ पर पोर्च है, ऑडी R8 है। तो मुझे अभी तक यही लगा भाई कि ऑडी R8 ना थोड़ी सी महंगी होती है, सबसे महंगी होती है, यूँ समझ लो, ठीक है। तो अभी ये बंदा दे रहा है 5 लाख रुपए का, ठीक है, 5.5 लाख रुपए का दे रहा है ऑलमोस्ट। तो अभी देखो इसमें हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इसको बार्गेन कितना करवाएं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर महंगी गाड़ी है तो ही इसका इस्तेमाल करना, अदरवाइज मत करना भाई। तो मैं यहाँ पर एक्सपर्टीज बुला सकता हूँ, बट उस इसको बुलाने से पहले आप ये देख लो पहले इसमें डैमेज कितना है। तो इसमें डैमेज भी है और ये इसका पेंट भी थोड़ा सा निकला हुआ है और इस ये चला है भाई केवल 12,000 किलोमीटर, ठीक है। तो हम एक्सपर्टीज बुला सकते हैं, बट यहाँ पर 55,000 लग रहा है, तो चलो एक बार मैं बुला लेता हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे है तो ही ये करना, कम पैसे है तो मत करना, ठीक है। सीधा आप बार्गेन करवा सकते हो, ठीक है, बार्गेन करवा लो और ले लो। तो मैं यहाँ पर एक्सपर्टीज बुलाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है 1 डालना हमें, इस वाले को स्पेशल आईडी को यहाँ पर डालना है, ठीक है, YM, ठीक है। उसके बाद आपको चेक पे क्लिक कर देना है। तो ये बंदा आएगा और पर्सनल आपकी गाड़ी को चेक करेगा अच्छे तरीके से। उसके बाद आप आ जाओ बैक। बैक आने के बाद भाई इसका प्राइस देखो कितना कम हो गया और अब जो है आप यहाँ से बार्गेन करवा सकते हो। तो चलो मैं इसको बोलता हूँ तुम 4.5 में दे दो, लेट्स गो, ठीक है। तो मैं इसको 4.5 का ऑफर देता हूँ, बट 4.30 का मैं दे देता हूँ, ठीक है, और अगर ये मान जाएगी तो ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो अभी हमें ये पड़ गई है $4,30,000 की। तो आप इस तरीके से महंगी से महंगी गाड़ियों को भाई सस्ते में खरीद सकते हो। तो अभी आपने जाना है कि आप महंगी से महंगी गाड़ियों को सस्ते में कैसे खरीद सकते हो, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हो। तो उसके लिए आपको आना होगा बाहर, और एक सेकंड इसका इंजन बंद कर देता हूँ। आपको जाना होगा इसके घर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो जुआ खेल रहे हैं कुछ लोग, तो आपको यहाँ पर जाना होगा और आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना गेम सेव करना होगा, उसके बाद आपको ई प्रेस करना होगा एंड यहाँ पर कर देना होगा जितना भी आप करना चाहो। अगर आपके पास कम पैसे है तो आप कम कर दो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं तो मैं यहाँ पर 20,000 कर देता हूँ। मैक्सिमम आप 20,000 कर सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ से कर देना होगा स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखो 11 पॉइंट है, ठीक है, तो आपको स्टैंड कर देना होगा। ओके, तो आपको स्टैंड नहीं करना, मतलब हिट करना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी मैं यहाँ पर वापस स्टार्ट कर देता हूँ।
उसके बाद आपको देखो यहाँ पर है 3 पॉइंट, ठीक है, तो आपको हिट कर देना है और वापस से हिट कर देना है, देन वापस से हिट कर देना है, ठीक है। अभी देखो 13 पॉइंट बना है, ठीक है, हिट करना है और अभी आपको क्या करना है, स्टैंड कर देना है, ठीक है, जैसे कि 21 से लेकर के 21 से ऊपर ना हो, बस क्यों समझो आप, 21 पॉइंट से ऊपर ना हो, उसके आसपास 2-3 इधर उधर रहे ना तो हो जाएगा, तो आपको स्टैंड कर देना है, उसके बाद आप जो है पैसे विन कर जाओगे, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो अभी आपको क्या करना है, सेम उसी तरीके से करना है जैसे मैंने यहाँ पर करा, उसके बाद जब आप विन कर जाओ ना तो आपको क्या करना है, सेव कर देना, वापस से रिज्यूम कर देना है, उसके बाद वापस आके खेलना है। तो मेरे पास पैसे हैं तो भाई मैं खेलता हूँ वापस से, ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। एंड स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, 14 है ना तो हिट कर देना है, राइट, 24 हो गया तो लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि भाई आपको 21 पार नहीं करना है। उसके बाद देखो अभी मैंने लॉस्ट कर दिया ना, तो अभी आपको क्या करना है, आपको जाना होगा बैक मेन मेन्यू में। जाने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, वापस से भाई आपको क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो पैसा लॉस्ट हुआ है ना वो वापस आ जाएगा। तो अभी देख सकते हो कि जितना मैंने लॉस किया है उतना मेरे पास वापस आ गया है, तो आप चाहो तो वापस से आप खेल सकते हो सेव करके। ओके, तो चलो अभी मैं आपको लास्ट सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर देखो मेरी गाड़ी है, जब मैं इसके अंदर बैठता हूँ ना तो इसका इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाता है। अब इसके लिए मैंने एक सेटिंग कर रखा है, उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग में और यहाँ पर आना होगा आपको गेम प्ले में, ठीक है। गेम प्ले में आने के बाद यहाँ पर देखो ऑटो गियर है और ऑटो स्टार्ट इंजन है, तो आपका बंद रहे यहाँ पर अनटिक रहेगा, तो आपको इस पर टिक कर देना है। इससे ये होगा जैसे आप इसके अंदर बैठोगे आपका गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर कंट्रोल्स वगैरह के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर आके देख सकते हो, जैसे कि जंप कराना है तो स्पेस दबाना है, इंटरेक्ट करना है तो ई दबाना है, यहाँ पर ड्रॉप आइटम करना है तो क्यू दबाना है, इन्वेंट्री खोलना है तो टैब दबाना है, स्किल पैनल खोलना है तो आई दबाना है। तो इस तरीके से आप जो है पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो भाई बता देना, मैं आपको एक एक बटन बता दूंगा, ऐसे एक वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑडियो वगैरह है तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ छेड़ना नहीं है। ग्राफिक्स है तो आप अपने ग्राफिक्स के हिसाब से भाई सेट कर सकते हो, मेरा हाई एंड ग्राफिक्स है तो मैंने यहाँ पर कर रखा है, और यहाँ पर जो है क्वालिटी वगैरह भी लो हाई कर सकते हो, तो मैंने सब कुछ अल्ट्रा कर रखा है, आप अपने ग्राफिक्स के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी छेड़ना नहीं है। तो यही था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक वीडियो में।